23 लाख के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कमजोर नतीजों के साथ साथ और क्या क्या वजह है, हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है डिवीस लैब्स, निफ्टी की कंपनी है फार्मा की, और स्टॉक जो है एज लो एज 9% दिन के ट्रेड में गिर चुकी थी। दूसरे तिमाही के नतीजे थे, वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और सारे पैरामीटर्स, रेवेन्यू, पैट, मार्जिन सब एनालिस्ट एस्टिमेट्स के नीचे आए थे। अगर बात करते हैं मोलनीपिराविर को, अगर वो जो कोविड सेगमेंट की ड्रग है उसको निकाल दे तो फिर भी बेस बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने मिला, मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हुआ और एक्सपोर्ट्स भी सिक्वेंशली गिर गया था, तो इसके कारण जो है स्टॉक में दबाव देखने मिला। फिर दोपहर में कॉन कॉल हुई थी 2 बजे, वहाँ पे भी जो है कमेंट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिली, एक टाइप से वीक सेट ऑफ कमेंट्री आई क्योंकि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी की सेगमेंट्स में बढ़े हुए हैं। हालांकि कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो है जो आप कह सकते हैं टॉप आउट हुए हैं, लेकिन जो कमर्शियल वॉल्यूम्स हैं अगले 4 से लेकर 6 तिमाही तक बढ़ सकते हैं कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के लिए, और यही बिजनेस के लिए FY24 के लिए ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग रहेगा। हालांकि कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है 13% का गिरावट देखने मिला इस तिमाही में, और आगे जाते हुए इन्होंने एक और चीज़ कहा कि जो काकीनाडा कैपेक्स है उस पर गवर्नमेंट की अभी कोई क्लियरेंस नहीं आई है, कंपनी उसके लिए वेट कर रही है, और आगे जाते हुए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी कंपनी की ओवरऑल 83% की है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं आई गाइडेंस को लेके, हालांकि रॉ मटेरियल प्राइसिंग पे दबाव रहेगा, उस पर फोकस रहेगा।